नमस्कार, मैं हूं ऋषिका और आप देख रहे हैं तखल न्यूज। आज हम बात करेंगे फैशन की। फैशन ने पूरे भारत में अपने कदम बड़ी ही मजबूती से जमा लिए हैं। आज हमारे साथ फैशन डिजाइनर रिद्धि उपाध्याय जी हैं। रिद्धि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दखल न्यूज पर। हेलो, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फैशन डिजाइनिंग ही क्यों? आई मीन, लोगों का ड्रीम होता है कि डॉक्टर बने, आईपीएस बने, आईएएस बने। आपने कुछ यूनिक चूज किया है, तो आपके आइडियल कौन रहे हैं इसमें? फैशन डिजाइनिंग ही क्यों? बचपन से कुछ मेन स्ट्रीम लाइन्स नहीं करनी थी जिसमें एक सेम रूटीन हो। मुझे कुछ ऐसा करना था जहाँ मैं हर दिन कुछ नया डिस्कवर कर सकूँ, कुछ नया कर सकूँ। एंड एज एन स्टूडेंट आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, तो फैशन एक ऐसा मीडियम था मेरे लिए कि जहाँ मैं हर दिन कुछ नया ला सकती हूँ और खुद को भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ। आर्ट फील्ड में फैशन ने मुझे इंस्पायर किया कि लोगों को क्या मैं नया दे सकती हूँ अपने एज पे आके। एंड बीइंग अ फैशन डिजाइनर, हर बच्चे का इंडिया में, इफ यू आर अ फैशन डिजाइनर, तो नॉर्मली एक नाम है जो हर घर में बहुत कॉमन है एज अ डिजाइनर, वो है मिस्टर मनीष मल्होत्रा। तो कह सकते हैं कि वही मेरे बचपन से आइडल रहे हैं, उनकी तरह कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, सिर्फ देश में नहीं विदेश में। ओके, आजकल फैशन को सारे एज के जो लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं। बच्चों में काफी ज्यादा ये अभी चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे मॉडलिंग कर रहे हैं, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? बच्चे भी इसको काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। फैशन अब देखिए, आफ्टर सो मेनी एराज एंड डेकेड्स के बाद इंडिया में फैशन एक नेसेसिटी ना रहकर, एक लग्जरी ना रहकर एक नेसेसिटी हो गया है, जहाँ सबको अप टू डेट रहना है, हर जगह जाना है। सोशल मीडिया वर्ल्ड के बाद फैशन एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग मीडियम हो गया है लोगों के लिए खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। पहले हम लोगों को उनके नाम से, उनके काम से जानते थे, पर अब हम लोगों को उनके कपड़ों से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाइक इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके लिए फैशन ही एक मीडियम है जिनसे उन्हें लोग जानते हैं। और किड्स फैशन की बात करें तो न्यू जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इस वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एंड फर्स्ट लाने के लिए आई थिंक फैशन इतना मीडियम चूज कर रहे हैं, क्योंकि कपड़े एक ऐसी चीज है जो बिन बोले सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस न्यू कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में फैशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो आई थिंक। और किड्स फैशन अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की हमें जरूरत है। okay. और वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा आने वाले। जैसे आपने गुजराती फिल्म आर्टिस्ट के साथ काम किया है, उनके लिए ड्रेसेस डिजाइन की हैं, काफी सारे सॉन्ग्स में आपने ड्रेसेस डिजाइन की हैं, तो नए नए लोगों के साथ आप काम करते हैं, अलग ही एक्सपीरियंस मिलता होगा, इंटरेस्टिंग होता है काफी ज्यादा, तो आपने अभी तक किन किन लोगों के साथ काम किया है? फैशन गुजरात इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ मैंने अपना पहला सॉन्ग किया था गीता बेन रबारी के साथ, जो एक गरबा सॉन्ग था जहाँ हमने उनके लिए चनिया चोली डिजाइन किया था। और बाकी फिर एक मूवी की है हितेन कुमार के साथ, एक सस्पेंस थ्रिलर है वो। और भी आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आगे काम करना है और इच्छा रखती हूँ मैं। तो आपके अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आप क्या अभी प्रोजेक्ट आने वाले हैं आपके? जैसे कि आप जानते हैं नवरात्रि आ रहा है, इसलिए हम नवरात्रि के लिए एक सॉन्ग आने वाला है जो हम भूमि त्रिवेदी और आदित्य गढ़वी के साथ शूट करने वाले हैं, तो उनके लिए भी कुछ चनिया चोली ही है। और नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए कुछ नया फ्यूजन उसमें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आगे जाके ट्रेंड बन सके इस नवरात्रि। अभिनेताओं में तो फैशन देखा ही जाता है, लेकिन राजनेता भी इस ट्रेंड को काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? मतलब राजनेता भी काफी ज्यादा फैशन को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड में लेकर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबको इस दुनिया कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे रहने के लिए फैशन एक मीडियम है जो इजीली आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर राजनेता की बात की जाए तो हमारे पीएम मोदी जी जो गुजरात से हैं और गुजरात फैशन में सबसे आगे हैं, वहाँ के रंगीले लोग और उनका रंग बिरंगा फैशन। और मोदी जी का फेमस उनका कुर्ता और जैकेट, जो मोदी जैकेट और कुर्ते के नाम से बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। और मोदी जी की एक खास बात है कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ की वेशभूषा परिधान से कोई भी अंश लेके उसे अपने में पहनते हैं, अपनाते हैं और उसका प्रमोशन भी करते हैं फैशन को लेके। और आप फैशन अभी की बात ही नहीं है, पुराने टाइम में नेहरू जैकेट जो सबसे फेमस थी, या इंदिरा जी की साड़ियाँ देखें,
उसकी झलक हमें प्रियंका वाड्रा में भी दिखती है उन्हीं साड़ियों की। तो फैशन सबको अपने गिरफ्त में करता जा रहा है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कुछ यूनिक प्रिंट्स है जो काफी ज्यादा फेमस है, जैसे चंदेरी हो गया, महेश्वरी हो गया, बाग प्रिंट हो गया। तो आपने गुजरात में काम किया है, गुजरात में क्या ट्रेडिशन है, वहाँ क्या फेमस है, लोग क्या फॉलो करते हैं वहाँ पर? गुजरात का जो मेन परिधान जो हम कहते हैं वो है चनिया चोली, और सिर्फ वही नहीं, वहाँ की साड़ियाँ बंदेज की, लहरिया की, और वहाँ का कच्ची वर्क जो बहुत फेमस है, और मिरर वर्क, और बहुत सारी अलग अलग एम्ब्रॉयडरी और उसकी न्यू न्यू टेक्निक्स आ गई हैं अब तो, और वहाँ के कलरफुल प्रिंटेड शर्ट्स जो बहुत देखने को मिलते हैं आपको, जेठालाल तारक मेहता में भी देखने को मिलते हैं उसकी झलक। तो वहाँ का जो कलरफुल चीजें हैं, कौड़ियाँ हैं, कांच हैं। तो अभी आप इच्छुक हैं, मतलब आगे आप किन किन लोगों के साथ, किन किन हस्तियों के साथ काम करना चाहती हैं आगे? जैसे कि मैं ढॉलीवुड में काम कर रही हूँ गुजरात इंडस्ट्री में, वहाँ तो सबके साथ काम करना ही है, और धीरे धीरे अगर मौका मिले तो कभी बॉलीवुड में भी जाने का है। अच्छा, बॉलीवुड में भी आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं? मौका मिले तो क्यों नहीं। रिद्धि जी, आपने कई सारी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया है, तो आप आगे किन किन के साथ और काम करना चाहती हैं? जैसे कि मैं अभी डॉलीवुड गुजरात फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, जहाँ मैं काम करती रहूँगी, जिसे मुझे नहीं छोड़ना है, और अच्छे मौके मिलने पर मैं बॉलीवुड में भी जाना चाहूँगी, अच्छे प्रोजेक्ट्स करना चाहूँगी, मूवीज, वेब सीरीज, सॉन्ग, जो भी मिले। और सिर्फ इंडिया में नहीं, आई वुड लाइक टू गो टू अब्रॉड टू, वहाँ भी अपने इंडिया के फैशन को और बढ़ाना चाहती हूँ, और लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि वी इंडियंस हैव समथिंग न्यू फॉर देम। और अभी तो बहुत कुछ है आगे करने। आपने बहुत कम एज में काफी कुछ अचीव कर लिया है, आपने काफी सारे आपके अचीवमेंट्स हैं। आई डोंट थिंक मैंने अभी कुछ अचीव किया है, इट्स जस्ट द स्टार्ट, जस्ट द बिगनिंग, अभी बहुत कुछ है करने के लिए। और फैशन इतना वास्ट और जाइंट फील्ड है कि आप जितना भी कर लो आपको लगेगा आपने काफी किया है, तो बहुत बड़ा आसमान है अभी तो उड़ने के लिए, और इस आसमान में ऊंची उड़ाने भरनी है अभी, और सिर्फ इंडिया में नहीं अब्रॉड में भी बहुत कुछ करना है। रिद्धि जी, आपने बहुत कुछ बताया हमें फैशन के बारे में, हमारी शुभकामना है कि आप देश में ही नहीं विदेश में भी अपना नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो ये थी रिद्धि उपाध्याय जी, जिनसे हमने फैशन के बारे में काफी कुछ जाना। हम आपसे फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।